मल्होत्रा इंडस्ट्री के लोग इंडस्ट्री के दुखों में भी शामिल होते हैं ना, आई एम टच्ड। ऋषभ अपना कोई बेसिक कैरेक्टर बनाओगे लुढ़कते रहोगे बैंगन की तरह। करण यहां खड़े होकर अपनी तारीफ करने के लिए किसने बुलाया तुम्हें? मैं आपकी खूबियां गिनवा रहा था। रियली? तो जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई, क्योंकि ये सारी बातें तो आप पर लागू होती हैं। करण तुम्हारी तो शख्सियत ही नाजायज है, और फिर तुम्हारी औकात क्या है? पैदा किसी ने किया, पाला किसी और ने, और आज किसी और के रहमो करम पर जिंदा है। और कुछ? हाँ, और एक बात, दूसरों को आईना दिखाने से पहले खुद अपने चेहरे का नक्शा देख लिया करो करण। ये घर नहीं है ऋषभ, यहाँ तमाशा मत देखो। अरे मेधा, डोंट वरी, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये घर है या पुलिस स्टेशन, बल्कि जितने ज्यादा लोगों के सामने इसकी इज्जत उछाली जाए उतना ही ज्यादा खुश होगा ये भी इसकी एक खूबी है। क्यों करण? दूसरों पर कीचड़ उछालने से खुद की गंदगी कम नहीं हो जाती क्यों सर? कल आप एजीएम में स्वेतलाना के खिलाफ इल्जाम बन के खड़े थे, आज यहाँ उनकी पैरवी करने आए हैं। गिरगिट भी आपको रंग बदलते देखे तो शर्मा। करण साहब, गिरगिट फिलहाल आपको देखकर शर्माने में बहुत ज्यादा बिजी। एक हाथ में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का झंडा पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ में तलवार जिसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर ही चला रहे हो। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं कल भी स्वेतलाना के खिलाफ था और आज भी उसके खिलाफ हूं, और जब जब वो गलतियां करेगी उसके खिलाफ रहूंगा। लेकिन माँ जी का हमारे बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इंसानियत के नाते उनकी मदद करने के लिए मैं आज यहां आया, समझे? इंसानियत? हाँ करण, इंसानियत वो एक शब्द जिसका मतलब तुम कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इंसानियत का जज्बा समझने के लिए एक इंसान होना बहुत जरूरी होता है, और तुम तो एक जानवर से भी बदतर हो करण। तुम्हें तो शायद अपने बाप का नाम तक नहीं पता। जिस बाप का खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है वो तुम्हारे ऊपर नाजायज औलाद की मोहर और तुम्हारे मां के माथे पर बदचलनी का कलंक लगाकर भाग गया, और आज अपनी इन हरकतों से तुमने वो दस्तूर बाइज्जत कायम किया हुआ है। कंग्रेचुलेशंस। और तुम्हारे बाप ने ये स्वेतलाना को जन्म दिया था ना मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने, जो आज इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर। स्वेतलाना ने जो नुकसान हमारी कंपनी को पहुंचाया है करण, वो तुम्हारी साजिशों से बहुत कम है। अरे तुम तो विल यू स्टॉप दिस प्लीज। आप ये श्योरिटी पेपर साइन करवा लीजिए।